हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 दिसंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग स्टूडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए या फिर इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन पे, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं भारत में। इस रिपोर्ट में G20 के देशों को शामिल किया गया है, जिसमें साल 1998 से 2017 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है और हर साल एवरेज 16,000 लोगों की मौत जलवायु परिवर्तन के कारण होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है, भारत को, जहां प्रति वर्ष करीब 3661 लोगों की मौत जलवायु परिवर्तन के कारण होती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन का। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन मार्च 2020 में किस शहर में होगा। तो यहाँ पे दिल्ली में किया जाएगा 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन मार्च 2020 में, 2 से लेकर के 8 मार्च के मध्य में होगा इसका आयोजन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली होगा हमारा सही आंसर। जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पूरी दुनिया के करीब 5,000 से लेकर 6,000 भूवैज्ञानिक इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। इससे पहले भारत ने इसकी मेजबानी कब किया था, तो 1964 में 22वें IGC का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन किया किसने था, तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला हमारा 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 को किस शहर में होगा। तो इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा, बंगलुरु में। कहाँ पे किया जाएगा, विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बंगलुरु में, याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है, थीम है विकास और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, याद रखिएगा। इसके पहले जो 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन था वो 3 से लेकर 7 जनवरी के मध्य पंजाब में किया गया था। इससे क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो पंजाब में। मुख्य विषय भी मैंने आपको बता दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और आयोजन किस यूनिवर्सिटी में, अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि लास्ट ईयर इसका आयोजन किस यूनिवर्सिटी में किया गया था, उसमें एक टाइम कैप्सूल भी लगाया गया था आने वाले 100 सालों के लिए। तो इस 2 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। इस बार जो होगा ये होगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, GKVK कैंपस बंगलुरु कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब किसने जीता। तो आप सभी जानते हैं इनको, ये इसका खिताब जीता है सुमन राव ने, मिस वर्ल्ड एशिया, याद रखिएगा मिस वर्ल्ड एशिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, अभी हम लोग मिस वर्ल्ड की भी बात करेंगे और मिस यूनिवर्स की। तो इसको जीता है सुमन राव ने। आपको पता होगा कि इससे पहले जून में इन्होंने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है उदयपुर राजस्थान में, कब, 23 नवंबर 1998 में। और अगर हम लोग बात करें तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में सुमन राव तीसरे स्थान पे रही हैं। देखिए अब आ गया हमारा क्वेश्चन मिस वर्ल्ड 2019। मिस वर्ल्ड हो गया, मिस इंडिया हो गया, मिस यूनिवर्स, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है, इसको जीता है टोनी एन सिंह ने। किसने जीता है, टोनी एन सिंह, जो कि किस मूल की है, भारतीय मूल की। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीय मूल की हैं टोनी एन सिंह। जैसे PCS के पेपर में इस बार क्या आया था कि नोबेल अवार्ड है, जीता है इस बार एस्थर डुप्ले ने, सब लोगों ने याद करके रखा है, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर ने जीता है अर्थशास्त्र का नोबेल। किसी ने ये याद नहीं किया होगा कि यह दूसरी महिला थी, एस्थर डुप्लो दूसरी महिला थी जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल जीता है। और इस बार एग्जाम में क्या पूछा था कि पहली महिला कौन है जिन्होंने अवार्ड जीता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डिटेल में करंट अफेयर को पढ़ा करिए।
चलिए फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टोनी एम सिंह की, तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं जमैका की रहने वाली, लेकिन हैं किस मूल की? भारतीय। इसके पहले उन्हें मिस जमैका भी चुना गया है। अब बात आती है कि इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया मिस वर्ल्ड? इसका आयोजन किया गया है लंदन में। 2018 की मिस वर्ल्ड कौन थी? वेनेसा पॉन्स डी लियोन। उन्होंने मिस वर्ल्ड का ताज सजाया किसके सर पे? टोनी एम सिंह के सर पे। ठीक, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि मिस एशिया सर बनी है सुमन राव, जो कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर यानी कि सेकेंड रनरअप चुनी गई हैं। इस बार अश्वेत चुनी गई मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स 2019 में दोनों जो सुंदरियां चुनी गई दोनों की दोनों अश्वेत हैं। ठीक, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में 26 साल की जोजुबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स 2019 बनी है। तो टुंजी बनी है मिस यूनिवर्स और टोनी बनी है मिस वर्ल्ड, तो याद रखिएगा इसको, टुंजी मिस यूनिवर्स है, टोनी है मिस वर्ल्ड और सुमन राव है मिस एशिया और मिस इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कहाँ पर पृथ्वी की सबसे गहरी जगह खोजी गई है? तो अभी तक पृथ्वी की सबसे गहरी जगह क्या थी? मृत सागर हम लोगों ने याद रखा था, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका में खोजा गया है क्या पृथ्वी की सबसे गहरी जगह, बताया जा रहा है इसकी गहराई कितनी है? 11,500 फीट। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के दावे के अनुसार यहाँ पे अंटार्कटिका के डेनमान ग्लेशियर में मौजूद है यह जगह, जो कि समुद्र की सतह से 3.5 किलोमीटर नीचे है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में, तो मैंने आपको बता दिया मृत सागर है, इसमें समुद्र की इस समुद्र में नमक की सघनता इतनी ज़्यादा है कि इस वजह से यहाँ पे जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते, इसलिए पूछा भी जाता है कि मृत सागर में इंसान का डूबना असंभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घनत्व अधिक है। मृत सागर में मुख्य रूप से कौन सी नदी गिरती है? तो याद रखिएगा जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो जल्दी से बताइए यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। छात्रों की शिकायतों के रिपोर्ट आसान बनाने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के सुझाव पर वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल है यहाँ पे हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित राजधानी क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के चिरलोपल्ली और रायपुर को आपस में जोड़ेगी। देखिए इस बार पीसीएस में भी जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरह का आया था, तो मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि सिर्फ रटिए मत, डिटेल पढ़ते चलिए। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 6.7 किलोमीटर। अगला हमारा, जहाज रानी मंत्रालय ने किस देश के दो बंदरगाहों को पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया है? तो यहाँ पे बांग्लादेश और चटगांव के दो बंदरगाहों को घोषित किया गया है पोर्ट ऑफ कॉल। ये है क्या? तो इसका मतलब है ऐसे बंदरगाह जिसका प्रयोग मालवाहक या यात्री जहाज द्वारा सामान और यात्रियों को उतारने तथा चढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे बंदरगाहों का प्रयोग जलपोतों द्वारा ईंधन की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, बांग्लादेश और चटगांव। नेक्स्ट है हमारा, फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2019 के पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे दो प्लेयर हैं, कौन कौन है? रानी रामपाल हैं और सौरभ चौधरी। रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी हैं और सौरभ चौधरी शूटर हैं, जो कि यूपी के मेरठ से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को चुना गया है। रानी रामपाल ने नवंबर में अमेरिका के खिलाफ क्वालीफायर राउंड में विजयी गोल करके 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान पक्का किया। और इसके अलावा सौरभ चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था 2018 में। अगला हमारा, राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक,
परिषद को गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण तथा कायाकल्प का समग्र उत्तरदायित्व तो भी सौंप दिया गया। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो जुलाई 2014 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री का भारत का दौरा रद्द कर दिया गया। तो अभी आपको पता होगा, नागरिकता बिल जब से पास हो गया उसके बाद से हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और पूर्वोत्तर में बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। तो जापान के पीएम आने वाले थे शिंजो अबे, 15 से 17 दिसंबर तक असम की राजधानी गुवाहाटी में एक बैठक होनी थी, लेकिन वहाँ पर विरोध के चलते इनका दौरा रद्द हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं इसके अलावा बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल ने भी अपना भारत दौरा रद्द कर दिया, जो कि मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के बुलाने पर आने वाले थे। अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है, एंजेला मर्केल। दुनिया का पहला समुद्री कब्रिस्तान कहाँ बनाया गया, कोझिकोड केरल में। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, एस्ले बार्टी को। इसके अलावा हैदराबाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में जो अभी एनकाउंटर हुआ था उसके लिए कौन सी समिति बनी है जिसको रिपोर्ट देना, तो VS सिरपुरकर समिति बनी है। यूनिसेफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, 11 दिसंबर को मनाया है यूनिसेफ ने अपना स्थापना दिवस। इसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के बाद अब किस चौथे राज्य में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया, मणिपुर में, याद रखिएगा। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को। उसके बाद हमारा किस भारतीय स्टार्टअप ने स्पेस ऑस्कर अवार्ड जीता, तो ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने। अगला हमारा बार कोड के आविष्कारक जार्ज लॉरेर का निधन 5 दिसंबर 2019 को हुआ, वे किस देश से थे, USA से। फिर हमारा द्रज पुल किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है, तो आज के लिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।